जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का शो है ही कुछ ऐसा कि ये जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, इनकी बातें आप सुनना चाहते हैं, आपके साथ मैं भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैंने इनसे कुछ इनके बारे में एज सच अपने करियर में इतनी कोई बातें की हो। शो पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, लेकिन इनसे मैंने इस तरह वन टू वन इंटरव्यू नहीं किया। वो सवालात जो मैं आज करने वाली हूँ, वो मैंने इनसे कभी नहीं किए होंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। आप इनको मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं, जो भी पहले सेलिब्रिटी गेस्ट हैं आपने उनको देखा, दियारे दिल में, चुपके चुपके, मेरे हम सफ़र, वबाल, दरार, सुनो चंदा टू, दिले मोमिन, डंक, भड़ास, मोहब्बत सुबह का सितारा, मुझे विदा कर, वगैरह वगैरह। इतने सारे ड्रामों में आपने उनको देखा और उन्होंने अपनी एक्टिंग को, अपने टैलेंट को खुद मनवाया। आइए वेलकम करते हैं तारा महमूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल जी, हम प्रमोशंस में और वैसे हम दावत वगैरह में तो मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा यार इनका इंटरव्यू करना है, इतने मज़ेदार। वो कहते हैं ना, अंगूठी में नगीने की तरह फिट होता है जैसे नगीना, वैसे हर कैरेक्टर में आप फिट इन हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, आप यू आर टू काइंड टू मी। आप मेरे नहीं, सीरियसली मैं बहुत ड्रामा फैन हूँ ना, मैं ड्रामा देखती हूँ बाकायदा, तो जब देखती हूँ कोई पॉश कैरेक्टर है तो तारा महमूद फिट इन हो जाती है, जब कोई मिडिल क्लास कैरेक्टर है तो फिट हो जाती है। आई डोंट नो हाउ, मतलब कैसे, पता नहीं जी, अल्लाह की रहमत है। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारे वर्सटाइल कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल जाते हैं, सो अल्लाह का शुक्र है। कितना अर्सा हो गया इंडस्ट्री में एक्टिंग करते? आई थिंक अबाउट 10 साल तो हो गए सीरियस एक्टिंग, मतलब लाइक हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 20-25 साल, लेकिन जब से आप आई हैं वो मंझी हुई हैं। कैसे, क्या कोई एक्टिंग कोर्स किया या कुछ? ज़्यादातर तो एक्टिंग मैंने सीखी थिएटर करने से, तो नापा के साथ भी बहुत सारा काम किया और लाहौर में भी काम किया रफी पीर ग्रुप के साथ। सो आई थिंक थिएटर से सबसे ज्यादा आपको एक्टिंग आती है। अच्छा, एंड देन ऑन द जॉब। यानी 10 साल आप कैलकुलेट कर रही हैं थिएटर को भी या टीवी? नहीं नहीं, टीवी। टीवी में इसमें बीच में मैंने थिएटर भी किया है, इंग्लिश थिएटर भी किया है, उर्दू थिएटर भी किया है। सो मैं तो समझती हूँ कि आई मीन अदर देन जो आप जिन एक्टर्स के साथ काम करते हैं उनके साथ भी बहुत सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली, सो मैं बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, तो उनसे भी बंदा सीखता है और फिर थिएटर तो आपको डेफिनेटली सिखाता है। सो पहले क्या सोचा था और क्या बन गई है, मतलब ये होता है ना, आप अक्सर मैं एक्टर से पूछती हूँ, हम तो इंजीनियरिंग पढ़ी है, हमने डॉक्टरेट, मतलब लाइक उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। मैंने तो टेक्सटाइल डिज़ाइन पढ़ी है और मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊँगी। स्टेज किया है बचपन में, गाना शाना गाते थे मैं और मेरी बहन, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए और अभी मेरा करियर बन गया, तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ की बात। करियर और सही है, पैसे भी कमा रहे हैं हम, कोविड में भी कमाए हमने, बाकी सब काम बंद थे, हम खेल रहे थे। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कमाया, बिकॉज हम लोग तो घर पर बैठे हुए थे, कोविड में काम ही नहीं हो रहा था, सो काफी मुश्किल वक्त था बहुत सारे लोगों के लिए। ये तो है। प्लीज हैव अ सीट, हमने कुछ सवाल बहुत सारे तैयार किए हैं आपके लिए। हमने वैसे कभी इंटरव्यू वाला नहीं, आप जहां जहां जाते हमने कभी इस तरह वन टू वन इंटरव्यू टाइप नहीं किया ना। आई थिंक मैं आपके प्रमोशन में आई हूं, एक दफा आई थी, बहुत किसी ड्रामे की प्रमोशन थी, पता नहीं बहुत देर पहले आई थी एक दफा, जब मैं छोटी थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं ज्यादा अच्छे सवाल करूँगी। आप कहीं से भी बड़ी नहीं लगती, कहीं से भी। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही मोहब्बत है। प्लीज बैठे, जो एंगल अच्छा आपको लगता है आपका वही वहीं बैठे।